हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। बच्चों आज हम लोग अपने एग्जाम आइडिया का फर्स्ट चैप्टर पहले बुक का नाम है समकालीन विश्व राजनीति, उसका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम हमारा दो ध्रुवता का अंत। क्या नाम है बच्चों? दो ध्रुवता का अंत। तो चलिए बच्चों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना और हम सीधा अपने क्वेश्चनों पर आ जाते हैं। बच्चों हमारे सपोर्ट मटेरियल में जो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों? पहला क्वेश्चन है हमारा, दो ध्रुवता का अर्थ बताइए। दो ध्रुवता का अर्थ क्या होता है? दो ध्रुवता का अर्थ होता है दुनिया का आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से दो गुटों में बंटना। शीत युद्ध के दौरान पूरा विश्व हमारा कितने गुटों में बंट गया था बच्चों? दो गुटों में। एक का नेता अमेरिका था, दूसरे का नेता सोवियत संघ था। उसी को हम कहते हैं दो ध्रुवता। क्या कहते हैं बच्चों? दो ध्रुवता। ये क्वेश्चन आपका एक मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और दो मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बर्लिन की दीवार डैश का प्रतीक थी। तो बर्लिन की दीवार बच्चों किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार जो थी हमारी, ये शीत युद्ध का प्रतीक थी। बच्चों बर्लिन की दीवार कहां पर खड़ी की गई थी? ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में खड़ी की गई थी। बर्लिन की दीवार जर्मनी को कितने हिस्सों में बांटती है बच्चों? दो हिस्सों में बांटती है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा बर्लिन की दीवार कब तोड़ दी गई? तो बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या रहा बच्चों? समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो समाजवादी सोवियत गणराज्य जो था 1917 में अस्तित्व में आया था। 1917 में कौन सी क्रांति हुई थी बच्चों? आप सभी को पता होना चाहिए 1917 में रूसी क्रांति के बाद 15 गणराज्यों को मिलाकर के बनाया गया था सोवियत संघ, USSR। क्वेश्चन नंबर चार है बच्चों, CIS का पूरा नाम लिखिए। तो CIS का पूरा नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय मंडल भी बोल सकते हो, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रीय कुल भी बोल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पांच है बच्चों, USSR का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया? USSR बना कब था बच्चों? मैंने बताया था अभी 1917 में बना था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को इसका विघटन हो गया था। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? USSR का उत्तराधिकारी बना रूस। कौन बना बच्चों? रूस। क्वेश्चन नंबर सिक्स है बच्चों, सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किस नेता ने करी थी? सोवियत संघ में सुधारों की किस नेता ने शुरुआत की? तो सोवियत संघ में सुधारों की जो शुरुआत करी थी हमारी, वो मिखाइल गोर्बाचेव ने करी थी। किन्होंने करी थी बच्चों? मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। और ये भी पूछ लेता कब से कब तक थे? तो 1985 से लेकर के 1991 तक थे। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा बच्चों, सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग होने वाले गणराज्यों के नाम बताइए। तो सोवियत संघ से सबसे पहले जो अलग हुए थे, रूस, बेलारूस और यूक्रेन। वापस से सुन लीजिए बच्चों, रूस, बेलारूस, यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर एक बार 10 को भी देख लीजिए, 7 के बाद सर सीधा 10, क्योंकि बोथ आर रिलेटेड क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे से संबंधित क्वेश्चन है, दोनों का आंसर एक ही है बच्चों। सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा सर्वप्रथम किन गणराज्यों ने की? सोवियत संघ से अलग होने की जो घोषणा कही थी, रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। 8 को देखते हैं, रूस के किन दो गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? तो रूस के दो गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान। क्या थे बच्चों? चेचन्या और दागिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश की विचारधारा पर आधारित थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली जो थी किस विचारधारा पर आधारित थी बच्चों? आप सभी को पता होगा, समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। किस विचारधारा पर आधारित थी बच्चों? समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। 11वां क्वेश्चन देखते बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन को समझिएगा बहुत बारीकी से। सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया? सोवियत संघ के निर्माताओं ने किस पे महत्व नहीं दिया? तो देखते हैं कि करके, निजी संपत्ति की समाप्ति। सोवियत संघ के अंदर कोई निजी संपत्ति नहीं थी, निजी संपत्ति कोई नहीं रख सकता था। ठीक है, इस पर महत्व दिया था बच्चों।
समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। समानता के सिद्धांत पर क्या क्या कहते हैं, समाज की स्थापना। विरोधी दल का अस्तित्व नहीं, कोई विरोधी दल नहीं होगा, सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी। और आखिरी है अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं। तो यह कथन बच्चों गलत है, ये कथन क्या है, गलत है। इसीलिए यही हमारा आंसर हो गया, अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं कह रहा है, पूरा का पूरा नियंत्रण तो राज्य का ही था, यह कथन क्या है बच्चों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने सैनिक संधि बनाई, नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने किस सैनिक गठबंधन का स्थापना किया था, वारसा पैक्ट का स्थापना किया था, ठीक है बच्चों। नाटो के जवाब में सोवियत संघ ने किसकी स्थापना करी थी, वारसा पैक्ट। अच्छा नाटो का पूरा नाम क्या है बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलो मेरे साथ बोलेंगे आप सभी, बोलो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो किसका सैनिक गठबंधन था, नाटो सैनिक गठबंधन था अमेरिका का। जवाब में सोवियत संघ ने क्या बनाया, वारसा पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में बनाए गए थे मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या कितनी थी, सोवियत संघ में शामिल गणराज्यों की संख्या थी बच्चों 15, कितनी थी बच्चों 15 थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने, खाली स्थान भरना बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक है कहना हमारा, डैश देशों की मिलीजुली सेना और डैश सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 34 देशों की सेना ने, जिसमें 660,000 सैनिक थे, इराक के खिलाफ मोर्चा खोला, ठीक है। ये 660,000 सैनिक थे, 34 देशों की सेना थी और नॉर्मन स्वार्ज को इसके अध्यक्ष थे, ठीक है बच्चों, लीड कर रही थी इस ऑपरेशन को। बी क्या कर रहा है, क्यूबा के निकट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यूबा के निकट अमेरिका नौसेना का एक अड्डा ठिकाना डैश में है, क्यूबा के निकट अमेरिका का एक नौसैनिक ठिकाना है, अड्डा है, उसका नाम है ग्वांतानामो बे। क्या है बच्चों, ग्वांतानामो बे, मेरे साथ बोलेंगे ग्वांतानामो बे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, एस एल ओ सी का शब्द विस्तार लिखिए, एस एल ओ सी, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, क्या कह रहा है बच्चों, सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री मार्ग, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाक्य को सही करके पुनः लिखना है, दोबारा से लिखना है। देखो खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, गलत बच्चों, खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम के नाम से जाना जाता है, वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम की जगह ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के लगभग इतने नागरिक मारे गए, प्रथम खाड़ी युद्ध में इराक के लगभग बच्चों 50,000 नागरिक मारे गए। क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में देश शामिल हुए, तो ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉम में पूछता तो 34 देशों की संयुक्त सेना थी बच्चों, 34 देशों की। क्वेश्चन पूछ रहा आपका ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से जो 2003 में हुआ था बच्चों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसमें 40 से अधिक देश थे, कितने से अधिक देश थे बच्चों, 40 से अधिक देश थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां पे आपको समझ आया होगा। आगे हम दो अंक वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉफ्ट थेरेपी से क्या अभिप्राय, सॉफ्ट थेरेपी बच्चों एक आर्थिक मॉडल है जो कि सोवियत संघ ने अपनाया था। सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो सोवियत संघ समाजवाद से जब पूंजीवाद में बदल रहा था, बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में बदल रहा था, कम्युनिस्ट से लोकतंत्र में आ रहा था, तो उसने जो वर्ल्ड बैंक और IMF के दिशा निर्देश पर जो सुधार करे उसी को कहते हैं हम सॉफ्ट थेरेपी। क्या कहते हैं बच्चों, सॉफ्ट थेरेपी। और ये जो बदलाव था ये कष्टप्रद संक्रमण बदलाव था, क्या था बच्चों, कष्टप्रद संक्रमण बदलाव, बड़ी तकलीफों से समाजवाद से पूंजीवाद में जो सोवियत संघ बदला इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशिया के देशों के नाम बताओ। देखिए वापस से सुनो, सोवियत संघ से अलग हुए किन्हीं दो मध्य एशिया के देशों का नाम बताओ, तो मध्य एशिया के दो देश कौन कौन से बच्चों,
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किन्हीं में दो मध्य एशिया के देश के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन है, ताजिकिस्तान में हुए गृह युद्ध कितने वर्षों तक चले और यह गृह युद्ध कब समाप्त हुए। तो ताजिकिस्तान में जो गृह युद्ध चला, मध्य एशिया के देशों में गृह युद्ध 10 वर्षों तक चले, ये 1991 से लेकर के 2001 तक चले। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर चार क्या था आपका, कालानुक्रम अनुसार समय के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, एक एक चीजों को बारीकी से पकता होना चाहिए आपको। अगर आपको डेट तारीख एक एक करके याद नहीं होंगी तो आप इसको अच्छे से क्रम से नहीं लगा सकते। ध्यान से देखिएगा, अफगान संकट हुआ था बच्चों दिसंबर 1979। रूसी क्रांति हुई थी बच्चों 1917 में हुई थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार गिराई गई थी 9 नवंबर 1989 में गिराई गई थी बच्चों। और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 को। तो सबसे पहले क्या हुई थी, रूसी क्रांति नंबर वन, फिर क्या हुआ वो अफगान संकट नंबर टू, फिर बर्लिन की दीवार गिराई गई नंबर तीन, चौथा सोवियत संघ का विघटन, अरेंज कर दीजिए 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। अच्छा, बोर्ड के पेपर में 2 नंबर का बच्चों आपका मैचिंग आया था, इस मैचिंग को भी ध्यान से देखिएगा। सॉक थेरेपी क्या था, एक आर्थिक मॉडल था। क्या था बच्चों, आर्थिक मॉडल जो कि सोवियत संघ के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, रूस क्या है, रूस सोवियत संघ का क्या था बच्चों, उत्तराधिकारी था। ठीक है, बोरिस यल्त्सिन कौन थे, रूस के पहले राष्ट्रपति थे। वारसा पैक्ट क्या था, एक सैनिक समझौता था, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों। वापस से देख लीजिए, सॉक थेरेपी एक आर्थिक मॉडल था, रूस क्या है, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, बोरिस यल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति थे, वारसा पैक्ट एक सैनिक समझौता था जो कि किसके द्वारा किया गया था, सोवियत संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है, इतिहास की सबसे बड़ी गहरा सेल किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी गहरा सेल सॉक थेरेपी को कहते हैं। ठीक है, और क्यों कहते हैं, क्योंकि सरकार ने, सोवियत संघ की सरकार ने औने पौने दामों में, मतलब बहुत सस्ते कीमत पर क्या कर दिया, सार्वजनिक उद्यमों को, सरकारी उद्योगों को निजी हाथों को बेच दिया। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा बच्चों, सॉक थेरेपी के 2 परिणाम बताइए। तो सॉक थेरेपी का बच्चों पहला परिणाम क्या है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जीडीपी डाउन हो गया, रूसी मुद्रा रूबल गिरावट आ गई, सोवियत संघ के अंदर आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी बढ़ने लग गई, सरकारी तंत्र, सार्वजनिक तंत्र खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब कुछ भी लिख दीजिएगा इसमें से। 8वां क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दौरान किन मुद्दों पर अधिक जोर दिया। तो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र को मजबूत करना, पर्यावरण, इन्वायरमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज, अंदरूनी मामलों पर फोकस किया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम खाड़ी युद्ध किन 2 पक्षों के बीच लड़ा गया। तो प्रथम खाड़ी युद्ध जो था बच्चों, ये इराक और 34 देशों की संयुक्त सेना, आप अमेरिका भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, 9/11 की घटना से आपके विचार में अमेरिका की सोच के बारे में क्या बदलाव आता है। तो 9/11 की घटना के बाद बच्चों अमेरिका के सोच में क्या बदलाव आया, अमेरिका ने आतंकवाद को एक विश्वव्यापक। बच्चों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के इराक पर किए गए हमले का वास्तविक मकसद क्या था। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में इराक पर जो अमेरिका ने हमला किया था उसका मेन मकसद क्या था, इराक के पेट्रोल के ठिकानों पर क्या करना, कब्जा करना, और दूसरा इराक पे अपनी मनपसंद की सरकार को स्थापित करना, इराक में अपनी मनपसंद की सरकार की स्थापना करना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम के अंतर्गत क्या क्या कदम उठाए गए। ऑपरेशन एंडोरिंग फ्रीडम 9/11 की घटना के बाद हुआ था बच्चों, इसमें क्या किया गया था, विश्वव्यापक गिरफ्तारियां की गई और अलकायदा को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 12 तक समझ आया होगा, ये एक पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो को रोक करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। मैं आपको सीधा बाबू क्या करता हूं, इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को बता देता हूं।
बिल क्लिंटन का संबंध किस पार्टी से है? तो ये बिल क्लिंटन साहब जी जो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से थे बच्चों? डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। क्वेश्चन नंबर टू कहता है बिल क्लिंटन ने किन मुद्दों को अपने कार्यकाल में उठाया? तो बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल में लोकतंत्र और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे को उठाया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, बिल क्लिंटन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कब बने भैया? 1992 में बने। कितनी बार बने? दो बार बने। कितने सालों तक बने? 8 सालों तक बने। दोबारा 1996 में बने थे। अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति कितने सालों के लिए बन सकता है? 2 सालों के लिए, एक व्यक्ति 4 सालों के लिए बन सकता है। बिल क्लिंटन कितने बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए? अधिकतम 2 ही बार चुने जा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये डायग्राम से क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम का क्वेश्चन है। आप इस चैप्टर की जब किताब में शुरुआत ही करते हैं तभी आपको ये डायग्राम दिख जाता है। ये डायग्राम में एक बिल्डिंग को दिखाया गया जो ध्वस्त हो रही है। तो इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस इमारत को पहचानिए, इस पर कब्जे कब हमला किया गया था? इस इमारत को पहचानिए। यह इमारत अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC की इमारत है बच्चों। किसकी इमारत है? WTC की इमारत है। ख क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इससे प्रभावित देश का नाम बताइए, इस हमले के पीछे किसका हाथ था? इससे प्रभावित देश का नाम पूछे तो अमेरिका है, और इसमें किसका हाथ था? तो अलकायदा का हाथ था। क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, अलकायदा क्या है? अलकायदा एक आतंकवादी संगठन है। गा क्वेश्चन है बच्चों, इसके परिणाम स्वरूप कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन एंडूरिंग फ्रीडम चलाया गया, जिसमें विश्वव्यापक गिरफ्तारियां की गई और उन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को कहां पे रखा गया था? क्यूबा के निकट अमेरिका एक सैनिक अड्डा है ग्वांतानामो वे। क्या नाम है बच्चों? ग्वांतानामो वे, वहां पे। अच्छा, यहां पे मैंने आपको वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस को लगा दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं खुद से सेल्फ स्टडी करके। और उसके बाद अरब स्प्रिंग न्यूली एडिट टॉपिक है बच्चों। अरब स्प्रिंग में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी 2009 में। कब हुई थी बच्चों? 2000 बोलो भाई, इंतजार कर रहा हूं। कब हुई थी अरब स्प्रिंग की शुरुआत? 2000 बोलो, 9, 2009। अच्छा, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? टूनेशिया से हुई थी। कहां से हुई थी बच्चों? टूनेशिया अफ्रीका का, उत्तरी अफ्रीका का एक देश है बच्चों, ठीक है। अच्छा, कई बार ये क्यों हुआ था? तो भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, बेरोजगारी, निर्धनता, इन सब के मेन मुद्दे थे। अच्छा, इसका प्रभाव किन किन देशों में दिखा? यमन, बहरीन, लीबिया, सीरिया, अरब देशों में देखने को मिला, ठीक है बच्चों। तो एक ये भी नाम याद रखिएगा आप, होस्नी मुबारक, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, ये हमारा 2 दृढ़ता का जो चैप्टर है ये एंड हो गया। हमने अपने YouTube चैनल पे बच्चों और भी सपोर्ट मटेरियल की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम है, मैप्स की वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट हेल्पिंग बुक्स होती है, आपको बहुत सारी बुकों के नाम पता ही होंगे, MBD हो गई आपकी, एग्जाम आइडिया हो गई, JPH गाइड हो गई। तो बच्चों इनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम अपलोड करेंगे, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राजा कोचिंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू सो मच।